तमाम नौजवान और जिम्मेदार पहले मैं तो निवेदन से निवेदन से निघून गेला मी फोटो काढतो थांबतो आता नको बोलू नको आता बोलू ते त्यांना बोलायचं काय करत चल कुठं चल तर खालवत आता कुठे मार ना तुरांकी ऑर्डर मिळेल चल मी लवकर चल मेरे पास में वो चल वाह एकदम बात चल देश के संविधान को टकराने वाला आर्टिकल 14 की खिलाफवर्जी करने वाला जो CAA और NRC का कानून मौजूदा हुकूमत ने दोनों ऐवानों में पास किया है उसके पुरजोर मुखालिफत सबसे पहले ऐवान में ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उस बिल को फाड़ कर की और वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह अहिया किया कि पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखें हैं
किसी भी संगठन के जरिए, किसी भी पार्टी, किसी भी पक्ष या जिसके भी तरफ से ये इसके एहतजाज में मोर्चे, धरने, आंदोलन लोकशाही मार्ग से होते हैं, उन तमाम धरने, मोर्चे और आंदोलन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुला समर्थन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बोलने के ऊपर, जो पूरे महाराष्ट्र में एक समय में, एक जहाँ जहाँ भी हमारी यूनिट है, एक ही समय में वहाँ पर धरने, मोर्चे, आंदोलन और अपने मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला और यहीं पर आखिरी रहेगा। जब तक के हुकूमत इस काले कानून को, हमारे संविधान विरोधी इस कानून को वापस नहीं लेती, तमाम तंजीमों की तरफ से सभी धर्म जाति के लोगों के साथ में मिलकर इस बिल का, इस कानून का पुरजोर तरीके से एहतजाज और विरोध होता रहेगा, उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं लेती।